हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं कि मैं आपको किसी भी कॉलेज संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन के बारे में बताने नहीं आया हूं। मैं आज आप सभी बच्चे जो भी देखिए यूजी सेमेस्टर 2 और पी सेमेस्टर 2 की परीक्षा देकर आ चुके हैं, आपने अपना पहला एग्जामिनेशन देखिए दे दिया है, आपका यूजी सेमेस्टर 2 में हो चाहे पी सेमेस्टर 2 में, ये आपका पहला एग्जाम था। ठीक है, यूजी वाले छात्रों के लिए पहला एग्जाम था और पीजी वाले छात्रों के लिए भी पहला एग्जामिनेशन था। आप सभी ने एग्जाम जाके जहां भी आपका सेंटर पड़ा हो वहां मालूम चली गया होगा कि किस तरह का देखिए गाइडलाइंस फॉलो किया जाता है। अपने पहला उतने आप नर्वस थे, ठीक है, आप बहुत नर्वस थे कि कैसा किस जगह आपका एग्जामिनेशन सेंटर दिया, कैसा गाइडिंग, बहुत से मन में सवाल थे। बहुत से बच्चों ने कमेंट भी किया कि सर कि गाइडिंग कैसा रहता है वहां पर। तो देखिए गाइडिंग के भरोसे आप क्यों रहते हैं, आपको मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है, कि गाइडिंग के भरोसे मत रहिए, जो पढ़ के जाइएगा ठीक है वही एग्जाम में लिखिएगा। गाइडिंग से क्या करना है आपको। और भी बहुत से बच्चों के देखिए कमेंट किया है कि सर ड्रेस कंपलसरी है, तो देखिए ड्रेस कंपलसरी नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला था। और साथ ही साथ देखिए वैक्सीनेशन का भी, तो वैक्सीनेशन का ऐसा कुछ भी झमेला नहीं है, आप बस अपना एडमिट कार्ड लेके गए ही होंगे, आपने एग्जाम तो दे दिया। जिस भी बच्चे ने देखिए अपना इधर एग्जाम नहीं शुरू हुआ, अपना एग्जाम नहीं दिया, तो उनका भी एक दो दिन शुरू हो जाएगा, एक दिन जाइएगा एग्जाम देने से आपको पता चल जाएगा कि यूजी में किस तरह की परीक्षा होती है। ठीक है, अगर देखिए आपका सेंटर, अगर जहां तक मुझे पता है अगर आपका पीके रे पड़ा हो या फिर एसएलटी पड़ा होगा आपका एग्जामिनेशन सेंटर, तो आपको देखिए थोड़ी सी कठिनाई आएगी क्योंकि वहां पर नियम थोड़े से क्या रहते हैं, स्ट्रिक्ट रहते हैं। अगर आपने फेस किया हो तो अगर आपका सेंटर पड़ा है, क्योंकि एसएलटी की छात्र छात्रा को इसका पीके रे पड़ा था और पीके रे के जो भी छात्र छात्रा है उनका पड़ा हुआ है आपका एसएलटी पड़ा हुआ है, तो इस बार दोनों को देखिए दिक्कत आने वाली है। क्योंकि पीके रॉय का क्या किया जाता था, हर वर्ष आरएस मोड कॉलेज दे दिया जाता है और आरएस मोड कॉलेज में बहुत सी ढील दी जाती थी, लेकिन इस बार आप सभी बच्चों को थोड़ी दिक्कत है। बाकी अदर कॉलेज भी हैं तो वहां भी देखिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट चलता है, पहला दिन देखिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता ही रहता है, वो आप चाहे किसी भी कॉलेज में चले जाए, बाकी आप अपने भरोसे जाके एग्जाम दीजिएगा, वही आप सभी बच्चों के लिए ज्यादा बेटर है। क्योंकि दूसरे के भरोसे पर तो पहला बात मत ही जाइएगा। मैंने आप सभी बच्चों के लिए जेनरिक और एईसीसी पेपर जो सब्जेक्ट था वो डाउट के संबंध एक वीडियो बना दिया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, अगर आपका मन करता है तो देख लीजिएगा। एग्जाम पैटर्न पे भी मैंने आपको सारी की सारी बातें बता दी थी कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आपका आ सकता है। आपने एक एग्जाम दे दिया, अब आप देखिए बाकी यूजी के कितने भी एग्जाम हो या पीजी के कितने भी एग्जाम हो, आपको समझ में आ जाएगा कि अब आपका एग्जामिनेशन कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसा कैसा सेंटर रहता है, सारे के सारे जो मन में देखिए आपका एक डाउट था ना वो क्लियर, क्योंकि आपने अभी तक एक बार भी यूजी का एग्जाम नहीं दिया था, फर्स्ट सेमेस्टर का आपका एग्जाम नहीं हुआ और इस बार बीबीएमपी यूनिवर्सिटी ने तो आपकी हद ही कर दिया कि सेशन लेट चल रहा था, फिर अचानक कुलपति जी आए, उन्होंने आप सभी बच्चों के लिए 7 दिन में फैसला कर दिया कि जाइए बच्चे आप लोग एग्जाम दीजिए। और चिंता मत की रिजल्ट आते आते आपका, क्योंकि मार्च के शायद 2 या 3 तारीख को आपका एग्जाम खत्म हो रहा है, फिर देखिए प्रैक्टिकल चलेगा, फिर बीच में होली आने वाला 18 तारीख को, सजा तो मुझे याद है होली है तो उस टाइम छुट्टी होगा, तो यानी मान के चलिए कि आपका रिजल्ट आता है तो अप्रैल लग जाएगा। तो आप सभी बच्चे देखिए जैसे ही सेमेस्टर 2 खत्म होगा तो सेमेस्टर 3 की पढ़ाई में लग जाइएगा, क्योंकि सेमेस्टर 3 में फिर आपको समय नहीं मिलने वाला। आप सोच के चल रहे ना कि आपको 6 महीना मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला आप सभी बच्चों को। तो जितना भी समय बचेगा जिस दिन एग्जाम खत्म होगा सेमेस्टर 3 की तैयारी पे लग जाइएगा, नहीं तो फिर हाल यू सेमेस्टर 2 वाले हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीबीएमपी यूनिवर्सिटी आपने देखा है कि एग्जाम लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन फाइनली अचानक कुलपति जी ने आप सभी बच्चों के साथ क्या किया आप देख ही रहे, ठीक है, कि बीबीयू का एग्जाम तो हुआ ही हुआ, साथ में आप सभी बच्चों के एग्जाम से कंडक्ट करा लिया गया। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो देखिए लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर करिए, वरना मत करिए, वो आपकी इच्छा, ठीक है। तो और एक बात बता देता हूँ, देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वो टेलीग्राम ग्रुप देखिए आपके लिए ही बनाया हुआ है, वो मेरे पर्सनल के लिए नहीं है, क्योंकि अगर आपके मन में देखिए कोई भी शिकायत रहती है, कोई भी कुछ पूछना रहता है तो आप वहां पूछ सकते हैं। तो वहां पर शायद अभी अप्रोक्स 950 या 980 मेंबर्स वहां पर जुड़े हुए हैं, अगर आपका मन करता तो वहां जुड़ सकते हैं। कोई भी अपडेट आएगा आपके कॉलेज के द्वारा हो या फिर कैसा भी न्यूज हो आप सभी बच्चों के लिए, सबसे पहले आपको वहां बता दिया था, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे। आप सभी बच्चों जिन्होंने देखिए अभी तक एग्जाम नहीं दिया उन सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, मेरी तरफ से आराम से आगे एग्जाम दीजिएगा, हड़बड़ाने की बात नहीं है, ठीक है, आपके पास समय भरपूर रहता है। और एसीसी पेपर और जेनिक पेपर जिस दिन रहेगा उस दिन देखिए जेनिक पेपर के दिन आप क्या करिएगा, अगर आपके पास देखिए विद्या गेस्ट पेपर है तो बहुत अच्छी बात है, आप आराम से पास हो जाइएगा। और सेक पेपर के दिन याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना हो पढ़ के जाइएगा, ठीक है, तभी आप एग्जाम में अच्छा नंबर लेके आ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर।